हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एड इन्फो टीवी। मैं हूं मिस्टर जीरो, आपका स्वागत है एंटरटेनमेंट लैब में। और इसमें मैं बताने वाला हूं कि अजमत हुसैन के बारे में क्या नया अपडेट है। और किसी से कंप्लेन भी है, वो कंप्लेन भी मैं करूंगा। और आई डोंट थिंक सो कि वो अजमत हुसैन के फ़ैन है, या फिर अगर फ़ैन है तो भी मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। और अजमत हुसैन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट अपडेट उनका क्या है। तो चलो यार, शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई, वो बहुत बड़ी गलती है माना जा सकता है, क्योंकि भाई मैं अजमत हुसैन का फ़ैन खुद को बताता हूँ, और उनका बर्थडे मैं मिस कर गया कि बर्थडे के दिन में मैं ये वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। थोड़े यार दाल रोटी के लिए, पेट चलाने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था और वो वीडियो मैं सही टाइम पर नहीं ले आ पाया। तो सबसे पहले बता दूँ, 10 जनवरी को अजमत हुसैन का जो है बर्थडे था, और अजमत भाई ने बहुत अच्छे से मतलब उसके ऊपर में कुछ तैयारी की है कि अजमत हुसैन ने जो वीडियो अपने 10 जनवरी को रिलीज़ किया है वो वीडियो बहुत ही अच्छा था। एंड आई एम वेरी सॉरी बॉस, जो भी जा करके कमेंट सेक्शन में लिखे हैं कि भाई तू झूठा वीडियो बनाता है। सबसे पहली बात, मैं झूठा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि भाई जो न्यूज़ आता है वही न्यूज़ मैं बताता हूँ। अब मैं अजमत हुसैन के पड़ोस वाला तो हूँ नहीं, या अजमत हुसैन से मेरी डेली बात तो नहीं होती जो मैं एकदम उनके ज़ुबानी ली हुई बात को मैं आपको बता सकूँ। मैं वही न्यूज़ बताता हूँ जो कि प्रॉपरली बॉलीवुड की तरफ से या फिर न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ से आया होता है, या जो न्यूज़ आने वाले टाइम पर आने वाला होता है वही न्यूज़ को सुन करके मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो भाई अगर उसमें कोई चीज़ मिसमैच हो जाती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और हाँ, वैसे भी अजमत हुसैन का फ़ैन, कुछ लोगों ने कहा है कि तू अजमत हुसैन के वीडियो पे बनाना बंद कर दे क्योंकि अजमत हुसैन उस लायक नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर तुम सलमान खान के फ़ैन हो तो क्या तुम बता सकते हो कि सलमान खान के फिल्मों में कोई दम होता है? अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो तो पिछले क्या 5 साल से शाहरुख खान जो है अपने फिल्मों में सही चीज़ें ला करके दिखा पा रहे हैं? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो पा रही है? अगर आप किसी भी खान के या किसी भी स्टार के फ़ैन हो, वो भी एक टाइम पर आकर के अपने थोड़े बहुत यार लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या आप उनका फ़ैन होना छोड़ देते हो? भाई इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ़ैन हो, आप सिर्फ उसके फ़ैन हो जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप उसके फ़ैन नहीं हो जिसके आप फ़ैन बता रहे हो। फ़ैन का मतलब होता है कि सलमान खान आकर के 3 घंटे स्क्रीन पे भी आकर के अगर नंगा खड़ा हो जाए ना, आप उस फिल्म को सुपर हिट बोल देते हो। और वही होता फैन वाली बात, फैन फैक्ट एग्जैक्टली वही होता है। एंड वी गाइज आर जस्ट लाइक दैट, हम लोग उसी तरह के फैन हैं। जिस तरह से मैं शाहरुख खान को पसंद करता हूं, उनकी फिल्में नहीं आती, उनकी कोई भी चीज नहीं आ रही, आजकल के एडवर्टीजमेंट भी उतना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी फैन हूं और इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि वन डे ही विल बी कम बैक जस्ट लाइक ओम शांति ओम और वीर जारा और जितनी भी मूवीज उनकी सुपर डुपर हिट थी, जो मूवी आज तक कोई किसी को टक्कर नहीं दे सकती, उस मूवी का इंतजार आज भी कर रहा हूं। भले से वो 5 साल से फ्लॉप दे रहे हैं, फिर भी जाकर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर के मैं देखता हूं और पूरे इंथुजियाज्म वाली फीलिंग के साथ में। सो प्लीज़ यार डोंट ब्लेम ऑन मी कि यार मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो कि उसके लायक वो है ही नहीं है, और अजमत हुसैन को निकाला है तो सही किया है। दैट्स फॉर यू, इट्स समझ चुके हो क्या बोलना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए था ये जो लोग अजमत भाई को हेट करते हैं। हाँ, एक भाई साहब ने मुझे कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है, इतनी अच्छी बात कहा है जो कि मैं अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहता हूँ, बस एक जगह पे नहीं अप्लाई करना चाहता। उनका कहना था कि किसी को अच्छा बोलने के लिए और किसी को सपोर्ट करने के लिए किसी और को बुरा कहना, ये कहाँ की इंसाफ वाली या इंसाफ वाली बात है, ये बेइंसाफी है। तो भाई मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को मानता हूँ और इस चीज़ को मैं रियल लाइफ में तो अप्लाई करूँगा, लेकिन अजमत भाई के लिए कभी नहीं कर सकता, क्योंकि अजमत भाई ने जो दिल में जगह बनाई है और व्यूवर्स के दिल में जो जगह बनाई है वो हमेशा रहेगी। हाँ, वो एक दिन लौटेंगे और बहुत ही धमाकेदार तरीके से लौटेंगे, ये मेरा तो दावा है। देखो, अजमत भाई जब इंडियन आइडल में रिटर्न आए थे, उनकी जो पोजीशन थी, मैंने उसी वक्त में फर्स्ट वीडियो बनाया था, और वीडियो के थंबनेल में जाकर के चेक कर लो, अगर आपको वीडियो देखने में कंटाल आ रहा हो, बहुत बोरिंग लगेगा ना अगर, तो जाकर के प्लीज़ सिर्फ थंबनेल देख लो। थंबनेल में मैंने क्या लिखा था कि अजमत हुसैन को इंडियन आइडल से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन वो विनर नहीं होने वाले हैं। सो दैट वॉज माई प्रिडिक्शन, क्योंकि मुझे पता था एग्जैक्टली क्या होने वाला है और इंडियन आइडल वाले एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। सो इट वॉज जस्ट अ प्रिडिक्शन, और वो जाकर के रियल तरीके से हो गया। अब मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अजमत हुसैन जिस तरह से लौटेंगे, जो कि सलमान अली को भी टक्कर देंगे, सलमान अली भाई उनके दोस्त हैं पर वो उनको टक्कर देंगे, क्योंकि सलमान अली खुद चाहते हैं कि वो उनके लेवल तक आए और वो कुछ धमाकेदार करे अपने लाइफ में, और जो चीज़ उन्होंने खोया है वो फिर से पा ले। अगर इन सारी चीज़ों से आप अगर एग्री होना, तो प्लीज़ जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखो आप एग्री हो या नहीं, वरना बिंदास जाकर के गाली दे दो यार, एंड दैट विल बी प्रूफ फॉर यू कि आप अजमत हुसैन के रियल वाले फैन नहीं हो। मैं तो हूँ। अब बात करता हूँ अजमत हुसैन के अपडेट के बारे में। आई एम वेरी सॉरी इतना लेट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो भाई अजमत हुसैन का मेन अपडेट ये है कि तो भाई अजमत हुसैन ने जो गाना गाया था ना, मैं हवा हूँ वतन मेरा, जो गाना था ना, उसी गाने को रिक्रिएट करने वाले हैं और उसी गाने पे एल्बम बनने वाला है। दैट्स अ ट्रू न्यूज़,
मेरे हिसाब से जितना मैंने रिसर्च किया है उस हिसाब से डेट्स अ ट्रू न्यूज़ कि वो लेकर के आने वाले हैं। उसका एक छोटा सा फुटेज भी है, मैं दिखा दूंगा यार, प्लीज़ देख लेना। और दूसरी बात, वो जब गाना आएगा तो आप समझ सकते हो बचपन वाली जो आवाज़ है ना उनकी रिहर्सल को पूरा वीडियो मैंने देखा है। वो वीडियो को अगर डालूंगा तो अजमत भाई का नुकसान होगा क्योंकि वो उनका खुद का कंटेंट है, और अगर मैंने डाल दिया लोग सिर्फ मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, उनके वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि रियल अजमत हुसैन के जो रियल यूट्यूब चैनल है उसके अंदर में बहुत कम व्यूज़ है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लोगों ने खुद प्रूफ दिया है कि अजमत हुसैन जी को भर भर के वोट दिया जा रहा था और उस वोट के बावजूद भी वो बाहर आ गए। तो सोचो, वोट इतना मिल रहा है पर फिर भी यूट्यूब चैनल पर सपोर्ट क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं उनका कंटेंट को पूरा नहीं डालने वाला हूँ, अगर आपको देखना आप उनके चैनल पर जाकर के देखो, आपको पूरा का पूरा मिलेगा। और आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे कि अजमत हुसैन अगर वहाँ से बाहर हुए, इंडियन आइडल 11 से अगर बाहर हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। और उन्होंने जो अभी बीट पकड़ा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज को सुधारा है ना, वो आवाज सुधरा नहीं है, वो अजमत हुसैन वापस आया है। मैं हवा हूं गाना ऐसा लगता है कि शायद उनकी ओन क्रिएशन है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, उनकी ओन क्रिएशन है नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाया है इस बार, जिस तरह से उसका बीट चेंज किया, जिस तरह से उन्होंने उस गाने को निभाया है, दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग फॉर नाउ। और वो जब गाना आएगा तो एक चीज याद रखना, अच्छे अच्छे वीडियो वायरल होते हैं और कुछ वीडियो वायरल के बाप बन जाते हैं, मीन्स 12 लाख 15 लाख या करोड़ों में जो व्यूज आते हैं ना, उस व्यू का हकदार बनने वाला है वो वीडियो। अगर आप इस बात से एग्री कर दो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ यार। और अगर आपको लगता है कि मैं इनके नाम पे कमा रहा हूँ, तो भैया कंटेंट है, कमाने वाली तो बात गई तेल लेने के लिए, क्योंकि कमाई कितनी होती है यूट्यूब से सबको पता है, इट्स जस्ट फॉर द पैशन। और अजमत हुसैन का अगर टॉपिक मैं बार बार लेकर के आता हूँ तो जस्ट फॉर द फैन फैक्ट। उसी तरीके से मैं शाहरुख खान का भी लेकर के आऊँगा, जब भी उनका कोई भी न्यूज़ आएगा, उनका कुछ खास अपडेट आ नहीं रहा तो मैं लेकर के आता नहीं हूँ। और वैसे भी शाहरुख खान के ऊपर मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसके ऊपर मैं कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत दमदार तरीके से लगाया, जिसकी वजह से मैं अभी शाहरुख खान पे और जितने भी कंटेंट पे मतलब कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं वो सारे कंटेंट से अभी थोड़ा दूर हूँ। बस वेट कर लो यार, इस महीने में जो है मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक हटने वाला है, नाउ आई कैन वर्क ऑन दैट और ऐसा कुछ काम करूँ जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे। तो प्लीज़ यार वीडियो पर बने रहो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो पहले फुर्सत में आप जाकर के उस वीडियो को देख पाओ। जो भी आकर के पहला कमेंट और पहला लाइक डालेगा, उनके कमेंट एंड लाइक को मैं भाई लाइक अपने तरफ से भी दूंगा, और उनके कमेंट अगर दमदार हुए, कुछ अच्छा लगा, तो उस कमेंट को जो है मैं एकदम टॉप पे रखूंगा, पिन करके रखूंगा। तो बॉस यही था अपडेट, मालूम है बहुत छोटा सा अपडेट है, दूसरा अपडेट लेकर के बहुत जल्द आऊँगा, बहुत जल्दी मैं उनके ऊपर मैं और भी जो भी चीज़ें मिलेगी उसको इकट्ठा करूँगा, फिर से लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ यार चैनल पर बने रहो, और हाँ देखने के लिए थैंक यू। एंड प्लीज़ नाराज़ मत होना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंडियन आइडल कंटेस्टेंट के बारे में बात करूंगा, उस वीडियो को देखना, और वहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, आप उन चीज़ों से अग्री करते हो या नहीं, आप उन चीज़ों को उतने ही सीरियसली ले रहे हो या नहीं, प्लीज़ बताना। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय एंड अस्ता ला विस्ता।